जब इंसान स्वस्थ होगा तभी तमाम खुशियों को हासिल कर सकता है। और स्वस्थ जीवन का आधार हमारे धर्मों में एक बहुत बड़ी बात लिखी गई है, वो आधार है ब्रह्मचर्य का पालन करना। तो ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए बहुत सी बातों पे हमें ध्यान देना पड़ता है। सबसे पहले है खान पान, बहुत ज्यादा स्पाइसी नहीं होना चाहिए, मिर्ची गरम मसाले प्रयोग में ना लाएं। हम यह नहीं कहते कि आप खाएं ना, मिर्च मसाले डालें लेकिन थोड़े, तली हुई चीजों से परहेज करें। जितनी भी तली हुई चीजें होती हैं ये शरीर में रोग पैदा करती हैं, शरीर को स्वस्थ नहीं बनाती। तो आप हफ्ते में एक बार निश्चित कर लें कि मैंने खाना है लेकिन थोड़ा खाना है। अगर आपने वो ले लिया तो उसकी जगह और चीजें ना लें। ये जो बैठी है इसने बेड़ा गर्क कर रखा है, क्योंकि हमारी आंतड़ियां इसके काबिल नहीं होती कि उनके एकदम कोई तेजाब अंदर डाल दे। तो पहले कुछ खाएं उसके बाद आप ये चीज ले सकते हैं। परहेज हो गया कि हमने खान पान सही रखना है। दूसरा परहेज है रहन सहन। आप अश्लील ना देखें, ना पढ़ें और ना ही इसकी चर्चा करें। अश्लीलता आदमी की उत्तेजना को चरम सीमा पे ले जाती है और उससे लॉस के अलावा कुछ हासिल नहीं होता। अश्लीलता देखते हो, अश्लीलता सुनते हो, अश्लीलता पढ़ते हो तो ब्रह्मचर्य पे कायम नहीं रहा जा सकता। स्वस्थ जीवन तभी हासिल होगा। पर एक सबसे बड़ी बात, या यूं कहें आधार भी है, स्तंभ भी है, वो है आत्मबल, विल पावर। आत्मबल के सहारे ही आप ब्रह्मचर्य जीवन हासिल कर सकते हैं। और ब्रह्मचर्य हासिल करने के लिए अपने विचारों पे कंट्रोल होना जरूरी है। विचारों पे कंट्रोल होता है जब आत्मबल होता है, और आत्मबल आता है सिर्फ और सिर्फ ओम हरि अल्लाह गॉड खुदा वाहिगुरु के नाम से।